Hello and welcome from Iqbal International Law Services with new legal lecture. आज का जो हमारा legal lecture है वो है suit for conjugal rights through attorney. Power of attorney के through क्या हम हक ज़ौजियत का conjugal rights का case file कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इस बारे में आज हम देखना चाहते हैं. देखिए suit वैसे तो कोई family suit file करने के लिए खुद हाजिर होना पड़ता है क्योंकि personal उसके attendance चाहिए, personal हाजिरी चाहिए क्योंकि उसके signature होते हैं, biometric होता है और verification होती है purpose के लिए, sign के purpose के लिए उसकी ऑनलाइन बायोमेट्रिक होता है, वेरिफिकेशन पर्पस के लिए उसको खुद अपीयर होना पड़ता है. हक ज़ौजियत का केस इस्लाम के खिलाफ भी नहीं है, ये भी याद रखें. ये खावंद का हक है जिसने उसके जिसके साथ उसने शादी की है तो वो उसके जो राइट्स हैं मैट्रिमोनियल जो राइट्स हैं वो उसकी बीवी उसके अदा करें. और इसलिए अगर कोई ये कहता है कि इस्लाम के खिलाफ ऐसा नहीं है, ये खावंद का एक राइट है, हक है, उसके लिए हम रूलिंग भी फेडरल शरीयत कोर्ट ने भी ये कहा है कि ये हक ज़ौजियत का केस इस्लाम के खिलाफ नहीं है क्योंकि ये खावंद का एक राइट है, जो कि फेडरल शरीयत कोर्ट की रूलिंग है PLD 2016 FSC पेज 1 है. अगर शोहर हक महर खर्चा अदा नहीं करता, बीवी हक महर मांगती है, खर्चा मांगती है, खर्चा नहीं देता, तो फिर उस सूरत में हस्बैंड का केस जो है वो हक ज़ौजियत का डिग्री नहीं हो सकता क्योंकि उसने उसके हकूक अदा नहीं किए. जब वो नहीं अदा करेगा तो फिर वो हक ज़ौजियत नहीं मांग सकता. हक ज़ौजियत मांगने के लिए ज़रूरी है कि बीवी को मेनटेन करे, अगर वह हक महर मांगती है तो वो भी पे करे. उसके लिए रूलिंग भी है 2007 CLC पेज 1517 है. आप इस तरीके से आप उसकी डिग्री के खिलाफ अगर हक ज़ौजियत का केस डिग्री हो जाता है तो आप उसकी डिग्री के खिलाफ अपील भी फाइल कर सकते हैं. ये आपके पास राइट बनता है. अगर आपके खिलाफ हस्बैंड का केस हक ज़ौजियत डिग्री हो गया है तो आप उसके खिलाफ अपील फाइल कर सकते हैं. रूलिंग में हम आपको दे रहे हैं NLR 1989 सिविल पेज 280 है. अगर आप खुद नहीं आ सकते और बात हो रही है कि थ्रू अटॉर्नी के आप केस फाइल करना चाहते हैं तो आप थ्रू अटॉर्नी कहीं आप दूसरे कंट्री में किसी और जगह आप खुद नहीं आ सकते तो ये भी आपके पास राइट है. आप थ्रू पावर अटॉर्नी के थ्रू आप अपना हक ज़ौजियत का केस फाइल कर सकते हैं. इसमें बहुत सी रूलिंग हैं जो हमें ये गाइड करती है कि हक ज़ौजियत का केस फाइल करने के लिए आप थ्रू अटॉर्नी को इस्तेमाल कर सकते हैं, अटॉर्नी के थ्रू अपना केस फाइल कर सकते हैं. रूलिंग हम आपको दे रहे हैं PLD 2012 है, लाहौर पेज 408 है, और इसी तरह का 2002 है, CLC पेज है 1396 है, और इसी तरह से PLD 1986 है, लाहौर पेज 394 है, और इसी तरह का PLD 1985 है, फेडरल शरीयत कोर्ट FSC पेज 315 है. अगर देखिए बीवी खर्चे का केस या फिर डेजोल्यूशन ऑफ मैरिज का केस नहीं करती तो इसका मतलब ये है कि वो हक ज़ौजियत के लिए तैयार है. हाँ, अगर बीवी चली जाती है, दूर जाकर रहती है, हस्बैंड के घर को छोड़ देती है तो वहाँ जाके वो खर्चे का केस फाइल करती है, हक मैर का केस फाइल करती है या फिर डेजोल्यूशन ऑफ मैरिज का केस फाइल करती है तो एक अलहदा बात है. लेकिन वो चल जाकर बैठ भी जाती है और ना घर वापस आती है और ना इस तरह का कोई केस फाइल करती तो इसका मतलब ये है कि वो अपना घर नहीं तोड़ना चाहती, घर बसाना चाहती है. वो हक ज़ौजियत भी अदा करने को तैयार है मगर उसके कुछ रिजर्वेशन हो सकते हैं या कुछ मसले हो सकते हैं तो उस सूरत में आपके पास ये राइट है, आप अपने हक ज़ौजियत का केस फाइल करते हुए अपनी बीवी को वापस ला सकते हैं. चूंकि इतना अरसा रहने के बावजूद अगर उसको तलाक की ज़रूरत होती है, अगर उसको डिवोर्स की ज़रूरत होती या खुला की ज़रूरत होती है तो खुला का केस फाइल करती, खर्चे का केस फाइल करती मगर उसने ऐसी कोई कार्रवाई नहीं. इसका मतलब ये है कि वो घर बसाना चाहती है, वापस आना चाहती है, हक के ज़ौजियत अदा करना चाहती है तो उस सूरत में आपके पास ऑप्शन है कि आप अपना केस फाइल करें, जो कि आप केस फाइल कर सकते हैं. आपका राइट बनता है हक के ज़ौजियत का केस फाइल करें और अपनी बीवी को वापस ले आए. उसके लिए रूलेंगे PLJ 2016 पेशावर पेज 699. ये था हमारा आज का लीगल लेक्चर. इसके साथ मुझे इजाजत दे कर फिर मिलेंगे. अल्लाह हाफिज़.